जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी बच्चे, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, फटाफट कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट जरूर करेंगे। देखिए एसएससी जीडी की वैकेंसी इस बार बम्पर रहने वाली है, आप सभी को पता ही है। तो मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। नहीं मेहनत करेंगे तो वैकेंसी 50 लाख भी आ जाएगा तो आपकी नौकरी नहीं होगी, ठीक है। नौकरी कब होगी, जब आप लोग मेहनत करेंगे तभी होगी, ठीक है। पढ़ने वालों की ही नौकरी होती है, तो इसलिए मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है। आज आप लोगों की बच्चों रीजनिंग की क्लास है और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ, और दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की डिमांड पे दोस्तों हम मैथ्स और रीजनिंग चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो रीजनिंग में आप लोगों को पहला क्लास बहुत ही अच्छा लगा, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से नोट किया। और देखिए नोट्स बना लीजिए, कॉपी एक जरूर मार्केट से आप लोग ले लीजिए, मोटी कॉपी, एक रीजनिंग की, एक मैथ्स की, एक जीएस की, एक हिंदी की, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे आप उसे जरूर नोट करिए। नोट करेंगे तो एग्जाम के समय पर क्या होगा, आपको इतनी लंबी लंबी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो होती है करीब 1 घंटे की और उसमें क्वेश्चन होते हैं कम। क्यों क्वेश्चन कम होते हैं, क्योंकि समझाया जाता है। जब आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेगा तो आप 1 घंटे में 10 दिन का क्लास रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट करिए, ताकि एग्जाम के समय में कम समय भी बचे तो उस समय आप रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक लगता है, ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। तो इसलिए नोट्स सारे बच्चे जरूर बनाइए। आज अगर कॉपी नहीं खरीद पाए हैं तो कल सुबह में आपका काम रहेगा कि एक बार आपके पास सभी के पास मोटी रजिस्टर हो, एक एक करके सारे सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट है तो चारों की एक एक रहनी चाहिए, ताकि एग्जाम के समय आप उसका रिवीजन कर सके कम समय में, ठीक है। तो ये चीज करना है। देखिए रीजनिंग में हम लोग पहला जो क्लास पढ़े थे बच्चों, एनालॉजी देखे थे, यानी समानता यानी सादृश्यता। एनालॉजी के क्वेश्चन आप लोग देखें बहुत ही अच्छे तरीके से। एनालॉजी में जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनको तो हम करा दिए थे, अब इसमें हम शब्द वाले क्वेश्चन रखें और कुछ अक्षर वाले भी क्वेश्चन रखें, ठीक है, तो उन्हें हम कराने वाले। देखिए रीजनिंग का दोस्तों दूसरा क्लास है और एकदम बेसिक से आप लोगों के लिए क्लास चल रही है, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हाँ कुछ कह रहे हैं, अभी कहिएगा, आप लोगों की बात सुनेंगे। हाँ नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेंगे, वैकेंसी जो आपकी 80,000 से ज्यादा होने वाली है उसकी बात कर लेंगे। देखिए वैकेंसी ज्यादा रहेगी तो अच्छी बात है, वो तो और अच्छी है कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, रोजगार ज्यादा मिलेगा किन को, जो मेहनत करेंगे उन्हीं को, नहीं मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए मेहनत पे जोर दीजिए। काम भी वैकेंसी रहेगी तो भी आप कोशिश करिए, मेहनत आपकी उतनी रहनी चाहिए, सिलेक्शन आराम से हो जाए, ठीक है। चलिए देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन, देखिए शब्दों वाले आज क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं और अक्षरों वाले जो क्वेश्चन होते हैं और जो अंग्रेजी वाले जो शब्दों वाले क्वेश्चन है उनको शामिल किए हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना एनालॉजी के शब्दों वाले बहुत आसान होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है, पढ़ के आंसर देना है, कोई इसमें लॉजिक नहीं, बस आपको शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये शब्द बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कहना क्या चाह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, बस। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो बच्चों लिखा है रंग, रंग का संबंध अगर ऐसे बोले, रंग का संबंध लाल से है तो वाहन का संबंध किससे होगा, या प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है लाल का संबंध रंग से है तो किसका संबंध वाहन से होगा, आप दिए गए विकल्पों में से बताइए।
जल्दी से बताइए। तो एबीसीडी सारे ऑप्शन नहीं, अब इस क्वेश्चन इतने से सिंपल छोटे से क्वेश्चन में अगर आप चारों ऑप्शन आंसर दे रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। आसान क्वेश्चन है फिर भी इधर उधर की बातें नहीं। देखिएगा, देखिए इसमें किया क्या जाता है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहां लाल का संबंध रंग से है, लाल क्या है, रेड, रेड कलर ही होता है ना, रेड लाल कलर यानी रंग, लाल क्या है, रंग ही तो है, रंग क्या है, रंग के अंतर्गत आएगा लाल। लाल क्या होता है, अगर हरा बोले तो हरा क्या है, कलर है, यह भी रंग ही है, लाल पीला हरा नीला काला सफेद अगर बोले तो ये क्या है, रंग है। तो बताइए ये सड़क क्या है, वाहन होता है, सड़क नहीं, सड़क पे वाहन चलती है तो वाहन नहीं होता है। ट्रक क्या होता है, वाहन होता है, हाँ ट्रक वाहन होता है। पेट्रोल वाहन होता है, नहीं पेट्रोल वाहन में पड़ता है, डीजल भी वाहन में पड़ता है, गैस भी वाहन में पड़ता है, तो इसको हम नहीं रखेंगे, सड़क को नहीं रखेंगे, पेट्रोल को नहीं रखेंगे। ट्रक टायर क्या होता है, वाहन होता है, नहीं टायर को भी हम वाहन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, लेकिन जो ट्रक होता है ना इसे हम वाहन के अंतर्गत रखेंगे, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, ट्रक से। ठीक है, देखिए लाल क्या है, रंग है, ट्रक क्या है, ट्रक वाहन है, ठीक है ट्रक वाहन है। हाँ अब टायर का मतलब है ना, सोचिएगा ट्रक टायर को भी हम वाहन कह देंगे, टायर को वाहन नहीं करेंगे। हाँ ये बोल सकते हैं कि वाहन के अंतर्गत आ जाएगा टायर, मतलब वाहन में लगे होते हैं टायर, ये बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोल दे कि टायर वाहन है, नहीं ट्रक जो है वाहन है, लाल रंग है, बस यही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है, एकदम सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। त्रिभुज का तीन से है तो किसका संबंध चार से होगा, यह पूछ रहा है, इन विकल्पों में से बताना है। या आप इस प्रश्न को ऐसे देख सकते हैं, तीन को त्रिभुज बोल रहा है तो चार को क्या बोलेंगे बताइए, चतुर्भुज। हाँ ऑप्शन भी आपको देखना है, पंचभुज दिया है, खडभुज दिया है, आयत दिया है, कोण दिया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, अभी धीरे धीरे इसमें लेवल हम आप लोगों की बढ़ाएंगे, पहले बता दीजिए। देखिए पंचभुज पांच भुजा, खडभुज छह, उसके बाद से आयत, आयत में कितने भुजा होती है, आयत कैसा होता है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ऐसे आप लोग पढ़े हैं ना, तो इसमें भुजा काउंट करें तो एक दो तीन चार, कितनी हो गई, चार हो गई, कितनी हो गई, इसको देखिए ये आपका और ये सामने सामने बराबर होता है, ऐसे ही तो होता है, एक दो तीन चार, तो इसमें टोटल कितनी भुजा हो गई, चार। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में काउंट करिए, एक दो तीन, कितनी भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज में तीन होती है तो चार किसमें होगा, आयत में होगा। कोण में क्या होगा, कोण में तो ऐसे कोण हो सकता है, कोण आपका कैसे हो सकता है, 90 डिग्री कोण में देखा जाए तो ये दो भुजाएं हो रही है, तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है, आयत, आप क्या बोलेंगे, आयत बोल रहे हैं सारे बच्चे, वेरी गुड, आयत में कितनी होती है, चार। चतुर्भुज बोल दिया होता तो भी हम आंसर दे देते, लेकिन डायरेक्ट ये त्रिभुज चतुर्भुज नहीं दिया है, त्रिभुज तो दिया है चतुर्भुज नहीं दिया है, चतुर्भुज मतलब चार भुजा है, आयत का मतलब भी क्या है, आयत भी चार भुजाओं से मिलके बना होता है, इसलिए हम इसे चार के अंतर्गत रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, आगे चले, हाँ समझते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ब्रश का संबंध अगर पेंटर से है तो माली का संबंध किससे होगा, यानी इसमें से किसका संबंध माली से होगा, या बोल सकते हैं पेंटर ब्रश तो माली क्या होगा बताइए। यहां पे रेंच लिखा है, रेक लिखा है, ट्रैक्टर लिखा है, उसके पास स्पिनर है, बताइए इसमें बताइए। देखिए शब्दों के बारे में जानकारी है तो आंसर दे पाएंगे, नहीं है तो जानकारी को इकट्ठा करिए, इकट्ठा कैसे करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और आप पढ़ाई करेंगे तो आपको शब्दों के बारे में जानकारी होगी, नहीं पढ़ेंगे दिन भर मत पढ़िए, कुछ भी नया कुछ भी मत सीखिए, तो ज्ञान आपका जितना है उतना ही रहेगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आपको करना है ज्ञान बढ़ाना है,
रेंच 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 आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है रेंच पता है? हाँ, आम 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 बोलचाल भाषा में हम लोग रिंच भी बोल देते हैं। अभी बताइए, अगर हाँ देखिए रेंच लिखा है और इसे आम बोलचाल भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं? रेंच बोल देते हैं। रेंच रेंच समझ रहे हैं? रेंच जिससे नट को टाइट किया जाता है, नट बोल्ट टाइट किया जाता है। देखिए हाँ, एक होता है रेक। रेक समझ रहे हैं क्या होता है? रेक नहीं पता है। ट्रैक्टर स्पिनर पता है? नहीं पता है तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो आंसर नहीं देंगे। ठीक है, रेंच ट्रैक्टर ये नहीं। देखिए ब्रश पेंटर, पेंटर का जो हथियार होता है, जो पेंटर का हथियार होता है, पेंटर जो पेंटिंग करता है, किससे पेंटिंग करता है, किससे पेंटिंग करता है पता है? किससे पेंटिंग करता है? ब्रश से पेंट करता है। देखिएगा कोई भी पेंटर हाथ से पेंट नहीं करेगा। दीवाल को पेंट करना है मान लीजिए, कुछ कला बनाना है, तो हाथ से नहीं बना देगा दीवाल को, कलर कर देगा ये, वो ब्रश का यूज करता है। उसी प्रकार से माली जो है ना, माली माली जो है ना, ये क्या करेगा? मान लीजिए पौधों को करना है, खेत की थोड़ी सी जुताई करना है, फूल लगाना है, फूल के पत्ते को खींच के एक जगह करना है, समझ रहे? मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई करके भुरभुरा बनाना है मिट्टी को, तो उसके लिए यूज किया जाता है रेक। एक रेक दोस्तों क्या होता है? एक औजार होता है, एक औजार होता है। किस टाइप का औजार होता है बता दे? कंघी नुमा औजार होता है। कंघी नुमा क्या होता है? यह एक औजार होता है और इस पे एक डंडा लगा रहता है। इससे क्या किया जाता है? पत्तियों को, सड़े गले पत्तों को खींच दिए, कोड़ दिए, मिट्टी को भुरभुरा बना दिए, ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है रेक का। ठीक है, रेक का यूज किया जाता है, कुछ इस टाइप का औजार होता है। ठीक है, हाँ कंघी नुमा होता है पर बड़ा होता है। ठीक है, हाँ आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे लाइन के किनारे पे पत्थरों को खींचने के लिए भी उस टाइप की बनी होती है। ट्रेन जब गुजरती है, मालगाड़ी गुजरी, ट्रेन गुजरी, तो क्या होते हैं? पत्थर अगर नीचे की तरफ चले गए हैं तो जो ग्रुप डी वाले होते हैं, जो ट्रैकमैन होते हैं, वो पत्थर को खींचते हैं, उसी टाइप की होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो आंसर होगा इसका बी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जानकारी नहीं रहेगी तो आंसर आप कैसे देंगे? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। चले क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो कलम का संबंध लेखक से है, तो इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध बढ़ई से होगा बताइए? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अच्छा, रेक का अर्थ नहीं पता था, नहीं पता था तो यही होता है ना, नहीं जब पता रहेगा तो आंसर आप कैसे देंगे? इसलिए पता रखिए, हर चीज के बारे में जानकारी रखिए जो आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। बताइए, देखिए लकड़ी 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 लकड़ी, कितने लोग? लकड़ी फर्नीचर। अच्छा, लकड़ी फर्नीचर सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, और उसके बाद दे रहे हैं डी। ठीक है, कुछ बच्चे रिंच भी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे आरी भी बोल रहे हैं, या रिंच लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो बताइए क्या इसको हम कौन सा ऑप्शन को सही माने? एक बार आप लोग बताए तो किस ऑप्शन को हम सही माने, एक बार आप लोग बताइए इसमें हम किस ऑप्शन को सही माने बताइए? आरी लकड़ी रिंच फर्नीचर किसको सही माने? यहां पे देखिए, आप देखेंगे तो आरी का यूज किया जाता है, बड़ी यूज करता है, लकड़ी का भी सामान बनाता है, फर्नीचर बना दिया, रिंच का भी यूज कई जगह पे किया जाता है। ठीक है, तो देखे तो सारे आंसर है आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो मतलब ही क्या रहा? मतलब ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि कलम का संबंध लेखक से है। ठीक है, देखा जाए तो लेखक का जो औजार होता है, लेखक किससे लेखनी करेगा, लिखेगा किससे? मान लीजिए एक लेखक है, उसको कविता लिखना है, तो किससे लिखेगा? मुंह से लिखेगा? मुंह से बोल सकता है? लिखेगा नहीं ना, कलम से ही लिखेगा। लेखक का जो औजार होता है, अभी पिछला क्वेश्चन आप लोगों को बताया ना, पेंटर का औजार ब्रश होता है, मालिक का रेक होता है, इसी प्रकार से लेखक का जो औजार होता है वो क्या है? कलम ही तो है, कलम ही तो है। बढ़ई का जो औजार होता है क्या है? बढ़ई का औजार लकड़ी है, लकड़ी से वो कोई सामान बना देगा, लकड़ी से ही काटेगा, लकड़ी से ही ठोकेगा, लकड़ी नहीं, लकड़ी की औजार बना, लकड़ी की का यूज करके फर्नीचर बना सकता है, लेकिन लकड़ी उसकी औजार नहीं है।
लकड़ी क्या है? लकड़ी उसकी औजार नहीं है। लकड़ी की भले कटाई पिटाई करे लेकिन उसे यूज करता है, लकड़ी काटने में किसका यूज करेगा बताइए? रिंच का यूज करेगा? नहीं। फर्नीचर का यूज करेगा लकड़ी का? बताइए। बढ़ई जो होता है ना, बढ़ई कारपेंटर, उसका जो औजार होता है क्या फर्नीचर होता है? फर्नीचर तो बनाता है, लकड़ी से बनाता है। रिंच, रिंच नहीं, रिंच का उतना यूज नहीं है। लकड़ी, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी लकड़ी आंसर दे रहे, लकड़ी नहीं होगा। बढ़ई का जो औजार होता है मेन, आरी होता है। ठीक है, हाँ आरी, ठीक है आरी समझ रहे ना, लकड़ी की कटाई करने में जो यूज किया जाता है। क्लियर है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए अब जाके सही आया। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, थोड़ा सा सोचना है पहला दूसरा, ये हो क्या रहा है, ये कैसे आधारित है, जैसे ये संबंधित है उसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर दीजिए। देखिए मैथ की जानकारी है कि नहीं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो 2D का संबंध त्रिभुज से है तो 3D का संबंध किससे होगा? या आप ऐसे सोच सकते हैं, त्रिभुज को 2D बोल रहा है तो किसको हम 3D बोलेंगे? अर्धगोला, आकृति, वर्ग, आयत। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए मैथ आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाया है ना, मेंसुरेशन पढ़ाया है ना, 2D सेकेंड डायमेंशनल, 3D थ्री डायमेंशनल, जिसमें तीन आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, समझ रहे हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई हो क्या होता है 2D, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, गोलनी क्या सर, जैसे वृत्त, समझ रहे हैं? क्या होता है ये सब 2D के अंतर्गत आते हैं। 3D क्या होता है? 3D समझ रहे हैं? 3D के अंतर्गत गोला, ठीक है, उसके बाद से 3D के अंतर्गत सिलेंडर आप पढ़े होंगे, 3D के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़े होंगे, ठीक है, मकान की परिभाषा आप लोगों को दिया गया होगा, मकान का क्षेत्रफल इस कोने से उस कोने तक लंबी छड़ रखी जा रही है, ये सब जो आप लोग पढ़े ये सब किसके अंतर्गत पढ़े, 2D के अंतर्गत या 3D के अंतर्गत, ठीक है। बक्सा क्या किसका उदाहरण है, 2D का है कि 3D का है, ये सब आप चीजें पढ़े है ना, तो वही चीज, गोला अर्धगोला क्या होता है, हाँ गोला अर्धगोला, अर्धगोला होगा 3D, ठीक है। आकृति वर्ग आयत नहीं, वर्ग या आयत जो है ना ये 2D का है, ठीक है, क्लियर है? तो आंसर आ रहा है अर्धगोला, वेरी गुड, आ रहा है अर्धगोला, एकदम सही है, ठीक है, तो 3D के अंतर्गत आएगा। समझ में या नहीं आ गया? समझ में आ गया तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। जितने भी नए बच्चे हैं सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो आप प्रश्न को ऐसे देख सकते हैं, अस्पताल देखिएगा, अस्पताल है, अस्पताल का संबंध चिकित्सक है तो किसका संबंध खगोल शास्त्री से होगा? खगोल शास्त्री, समझ रहे हैं ना? हाँ बताइए तो इसका आंसर दीजिए। व्यवसाय, जहाज, शोरूम, वेदशाला। व्यवसाय क्या होता है, जहाज क्या होता है, शोरूम क्या होता है, वेदशाला क्या होता है, ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं देना है, जानकारी हो तब भी। हाँ जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक साथ कॉमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं क्या क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। कुछ भी आंसर नहीं देना है, ABCD ऐसे नहीं। देखिए देखिए क्या बोला है, चिकित्सक, अस्पताल, खगोल शास्त्री, तो क्या होगा बताइए? चिकित्सक मतलब क्या होता है, डॉक्टर, डॉक्टर अगर अस्पताल में है मतलब ड्यूटी पे है तो कहां पे है? अगर डॉक्टर ड्यूटी दे रहा है तो कहां ड्यूटी देगा, रोड पे, ट्रैफिक पे, ट्रैफिक पे ड्यूटी देगा या बॉर्डर पे ड्यूटी देगा या अस्पताल में बताइए, या थाने में जाके ड्यूटी देगा बताइए, डॉक्टर कहां ड्यूटी देगा? ऐसे समझ सकते हैं जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है,
अस्पताल में जाएगा, ड्यूटी देगा, ठीक है। अस्पताल में जाके जो भी करना होगा, उसे रिसर्च करना होगा या जो भी करना है, मरीज का ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, ठीक है, पेशेंट देखना है, तो अस्पताल जाएगा। खगोल शास्त्री कहां जाएगा बताइए? व्यवसाय करेगा? जहाज में चला जाएगा? नहीं। शोरूम में जाएगा? नहीं। वेधशाला? वेधशाला का मतलब ही बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, वेधशाला क्या होता है, ठीक है। वेधशाला देखिए, वेधशाला वो जगह होता है जहां पे क्या होता है, ग्रह नक्षत्रों को, ग्रह नक्षत्रों की जहां से क्या की जाती है, जहां से देखा जाता है, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, जहां पे यंत्र रखा होता है ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन करने के लिए, उसे बोला जाता है वेधशाला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेधशाला। क्या आंसर होगा? वेधशाला आंसर होगा। क्या आंसर होगा? वेधशाला। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है? सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको टाइमिंग पता है ना, टाइमिंग क्लास की 8 PM पे डेली आपकी क्लास चलती है, एक दिन आपकी मैथ्स होती है और एक दिन आपकी रीजनिंग। आज रीजनिंग है तो कल 8 बजे मैथ्स होगी, ठीक है। और चैप्टर वाइज मैथ चल रही है, बेसिक से चल रही है। अब ये आप लोग मान के चलिए कि इसके बाद आप लोगों को हम दोबारा चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाने वाले, इसे पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, चलिए। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एसएससी जीडी के फौजी बैच से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे ना पढ़े, उनके लिए वही सफिशियंट है, फौजी बैच। तो बस आप क्या कर लीजिए, फौजी बैच पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी इसमें आपको हो सकता है, लेकिन बताइए आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चूहा का संबंध बोल रहा है, ऐसे देख लीजिएगा, चूहा का संबंध किससे है? कृंतक से है, ठीक है, कृंतक। मगरमच्छ का संबंध किससे है? तो चूहा जो है वो कृंतक से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार मगरमच्छ का बताना है। स्तनपाई, सरीसृप, जल, शाकाहारी। स्तनपाई, सरीसृप, ये तो वर्ग हो गया, जल पानी हो गया, शाकाहारी मतलब समझ ही रहे हैं, मांसाहारी शाकाहारी तो समझ ही रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका संबंध, बताइए। चूहा किसके अंतर्गत आता है? चूहा देखा जाए तो स्तनपाई जानवर के अंतर्गत आता है, लेकिन चूहा का जो गढ़ होता है वो जो होता है वो कृंतक होता है, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से मगरमच्छ और मगरमृच्छ टाइप का उसका गढ़ होता है, लेकिन इसकी बात की जाए अगर इसकी किसके अंतर्गत आएगा, अगर उसकी किसके अंतर्गत आएगा, चूहा अगर कृंतक बता दिया है तो मगरमच्छ स्तनपाई होता है? नहीं, मगरमच्छ क्या होता है? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत। वर्ग की अगर हम बात करें तो चूहा अगर वर्ग की बात करें तो कृंतक वर्ग है, और इसी प्रकार से चूहा जो है ना, लेकिन अगर चूहा की वर्ग की बात करें तो चूहा जो होता है ना वो स्तनपाई, ठीक है, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, और मगरमच्छ जो है सरीसृप वर्ग से ही संबंधित है, क्योंकि मगरमच्छ का जल या शाकाहारी से संबंध नहीं रखेंगे, स्तनपाई नहीं, आप वर्ग ही मान के चलिए इस क्वेश्चन को, सरीसृप होगा, ठीक है, सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एसएससी जीडी के लिए बता दे आप लोगों को, एसएससी जीडी के लिए एसएससी में कराए पे फौजी बैच चलाया जा रहा है, और जो बच्चे फौजी बैच से जुड़े हुए हैं कृपया करके आप क्लासेस वहीं ज्वाइन करिए और उस क्लासेस को पहले पूरा कर लीजिए, बैच को कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाके आप यूट्यूब पे क्लासेस देखिएगा, ठीक है। आप एक बार बैच कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके लिए यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना मैटर आपको दिया जा चुका है और वहां पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन हो जाएगा और आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिलेगा जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अभी बताया ना कल आप लोगों को बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बताए थे आप लोगों को, राज्य राजधानी याद कर लीजिए, देश की राजधानी याद कर लीजिए, मुद्राएं याद कर लीजिए, किस देश की कौन सी मुद्रा है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, लखनऊ का संबंध अगर उत्तर प्रदेश है तो किसका संबंध ओडिशा से होगा, बताइए इसका आंसर आप लोग दे, इतना तो पता ही होगा, बहुत से बच्चे होंगे, हाँ बहुत से बच्चे होंगे जो ओडिशा से होंगे, तो बताइए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। और आज की क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर करिए, लाइक करते हैं काफी अच्छा लगता है कि जो हम आपको समझा रहे हो आपके समझ में आ रहा है, हाँ, और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। क्या आंसर आ रहा है? कुछ भी आंसर नहीं देना है आपको, आंसर वही देना है जो इसका सही आंसर है। हाँ, नहीं पता है राज्य राजधानी,
नहीं पता है तो आज ही याद कर लीजिएगा, नहीं याद करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, अभी बिहार का पूछते तो तुरंत निकल जाता। राजस्थान, मध्य प्रदेश। सर सीजीएल का कट ऑफ बहुत गया है। हाँ, कट ऑफ देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा कट ऑफ, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसी कट ऑफ में तो हुए। चलिए वाई साहब आ रही होगी, बच्चों देखिएगा आवाज आ रहे है, अब आवाज आ रहा होगा। हाँ, बैटरी ऑफ, बैटरी कम था, ठीक है कोई नहीं, अब आवाज आ रही है कि नहीं एक बार बताइए। वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, आवाज में अब आवाज आ रही है, एक बार बता दे आप लोग पहले, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर है? हाँ चलिए कोई नहीं, क्लियर है, क्लियर है, आवाज आ रही है, चलिए ठीक है, बैटरी, हाँ ठीक है, आ रही आवाज, चलिए ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलिए हाँ बैटरी डाउन था, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यह चीज क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन से आप एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी भारत के राज्य हैं सभी की राजधानियां याद रखिएगा, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं जो चर्चित देश हैं उनकी मुद्राएं याद रखिएगा, उनकी भी राजधानी याद रखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, खेल से संबंधित जो शब्द होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो यह चीज याद रखना है। आगे चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्लियर है सभी को? देखिए एक बात और हम आप लोगों को बता दें, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे दोस्तों हम लोग फौजी बैच चला रहे हैं, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है, 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ चल रहा है। इस बैच में आपकी सभी क्लासेस चल रही है, वो भी एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फौजी बैच से जुड़ी है, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए, ठीक है। हाँ, इस बैच में आपको बता दे, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर दिया जा रहा है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जितना आप दिया जा रहा है बस उतना कर लेंगे, तो आप कोई भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं आपको बड़े आराम से पोस्ट मिल जाएगी और आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैच की बच्चों जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए। देखिए बैच को ज्वाइन करने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बैच चलाया जा रहा है, 2022 में बच्चों 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट एसएससी मेकर से पढ़ के सिलेक्शन लिए, इस बार आपका नंबर है, आप लोग भी पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, गारंटी के साथ चलाया जा रहा है। देखिए उन बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया जो बच्चे बहुत कमजोर थे, जिनको कुछ नहीं आता था पर पढ़े बैच से और सिलेक्शन ले लिए, तो अब आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टूडेंट है, कमजोर से भी कमजोर है तो जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए राजधानी बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए, यह भी बैच चल रहा है, सीपीएसआई के लिए शक्ति बैच। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी क्वेश्चन जिसकी बात चर्चा हो रही थी वही क्वेश्चन आया। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, रुपया का संबंध भारत से है तो डॉलर का संबंध किससे होगा, बताइएगा।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। यूरोप, यूरोप के अंतर्गत तो बहुत सारे देश, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, बताइए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताएं। हाँ, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी हम आप लोगों को बताएं ना, देश की मुद्राएं भी आपको क्या कर रखना है, याद रखना है। जल्दी से कमेंट करिए, हम देख रहे हैं आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। एक साथ आप लोग आंसर दें और सारे बच्चे आंसर देंगे, सही आंसर आना चाहिए। ABCD, देखिए रुपया भारत, रुपया तो आप लोग सभी परिचित होंगे रुपए से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो रुपया के बारे में ना जानता है। रुपया किसे कहा जाता है, रुपया क्या है, भारत की जो मुद्रा है बच्चों है रुपया, ठीक है। डॉलर यूरोप की मुद्रा, यूरोप में कई सारे देश हैं लेकिन डॉलर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यूरोप में ज्यादातर यूरो और भी अन्य मुद्राएं हैं, वो सब है, ठीक है। संयुक्त राज अमीरात, संयुक्त राज अमीरात क्या है, संयुक्त राज अमीरात यहां की मुद्रा है दिरहम, क्या है दिरहम, ठीक है। हाँ, यूएई दिरहम बोला जाता है, तो ये दिरहम हो गई। संयुक्त राज अमेरिका, संयुक्त राज अमेरिका का मुद्रा जो है वो क्या है, डॉलर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज अमेरिका, इसकी मुद्रा है डॉलर। इंग्लैंड, इंग्लैंड की मुद्रा क्या होती है, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड की मुद्रा क्या होती है, पाउंड, बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, सारे बच्चे एक साथ कमेंट करें आंसर आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, फटाफट कमेंट करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। इसका लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके, दिरहम, इसे लिख देते हैं पाउंड। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है, हाँ वेरी गुड। अब कुछ लोग डॉलर बताने लगे, डॉलर का रेट नहीं बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन बोल रहे हैं ऊन का संबंध, ऐसे मान लीजिए स्वेटर का संबंध ऊन से है तो किसका संबंध लेटेक्स से होगा, या ऊन का संबंध स्वेटर से है तो लेटेक्स का संबंध इन चारों विकल्पों में से किससे होगा, बताए इसका आंसर दे, जल्दी से बताइए, एक साथ बताइए, कमेंट करिए। हाँ, फटाफट कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है, इसलिए मेहनत करिए। और आप लोगों के लिए इतनी ढेर सारी क्लासेस चलाई जा रही है ताकि आप सारे बच्चे पढ़ के सिलेक्शन ले लें, ठीक है। देखिए फौजी बैच पिछली बार चला 2022 में, ठीक है, 2022 के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया उसमें, और बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और सिलेक्शन सारे बच्चे ने लिया, कोई ऐसा एक बच्चा नहीं होगा जो फौजी बैच से पढ़ा और सिलेक्शन ना लिया हो, जितने भी बच्चे पढ़े सारे के सारे सेलेक्ट, क्योंकि उसमें उतना कंटेंट दिया गया था और उस तरीके से पढ़ाया गया था, कितना हो भी कमजोर बच्चा था, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन ले सकते लेकिन मेहनत किए नौकरी लिए। लेटेक्स क्या होता है, देखिए एक रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। देखिए स्वेटर, ये ऊन स्वेटर तो बहुत पता होगा आप लोगों को, सभी को पता होगा कि जो स्वेटर हम लोग ठंडी के मौसम में पहनते हैं, जाड़े में पहनते हैं, वो किससे बनता है, ऊन से स्वेटर बनता है। लेटेक्स से क्या बनता है, रबड़, आभूषण, धातु, मोम, नहीं पता है लेटेक्स क्या होता है। देखिएगा जो रबड़ की पेड़ होती है ना, उसका जो दूध जो निकाला जाता है, ठीक है, हाँ उसी को बोला जाता है लेटेक्स। तो लेटेक्स जो होता है ना, लेटेक्स रबड़, हाँ रबड़ ही बनाया जाता है लेटेक्स से, क्या बनाया जाता है, रबड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। हाँ, ये लेटेक्स किसे बोलेंगे, रबड़, ठीक है, लेटेक्स का संबंध रबड़ से होगा जिस प्रकार ऊन का स्वेटर से। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी शब्दों वाले तो क्वेश्चन कर लिए, आइए थोड़े से अंग्रेजी के कुछ अक्षर हैं और इनका जो ग्रुप है इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं इन्हें आप देखिए, तो इसका आंसर दीजिए, देखे इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, और क्वेश्चन सेम वही चीज है,
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। सिंपल भाषा में आप ऐसे देख सकते हैं, पीजेई को आरएनके लिखा है, डीएचएन को एफएलटी लिखा है, एएमएस को क्या लिखा जाएगा इन चारों विकल्पों में से यह बताना है। पहले आप यह देखेंगे पीजेई है क्या है, पीजेई को क्या लिखा है, आर देखिए पीजेई का संबंध है आर एन के से, किससे है आर एन के से, फिर उसके बाद से है डी एच एन का संबंध है, डी ध्यान दीजिएगा डी एच एन का संबंध किससे दे रहा है, डी एच एन का संबंध बोल रहा है एफ एल टी से, एफ एल टी से, फिर हम लोगों से पूछा है ए एम एस का संबंध किससे होगा, ए एम एस का संबंध किससे होगा बताएं। देखिए बच्चों आप लोगों को एक तरीका बता रहे, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब कभी भी एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आसान भाषा में समझिए। देखिए आप देखिए, देखेंगे पी है, पी क्यू छोड़ के आर ऐसे, लेकिन ये गैप वाला में ना कंफ्यूजन हो जाता है, कितना छोड़ा कैसे बढ़ा, ठीक है। तो आसान भाषा में आप क्या करिएगा, आसान भाषा में ये समझिए आप इसकी प्लेस वैल्यू कर लीजिए यानी नंबर लिख लीजिए। नंबर कहने का मतलब है पी आएगा 16 पे, जे आएगा 10 पे, ई आएगा 5 पे, आर आएगा 18 पे, एन आएगा 14 पे, के आएगा 11 पे। तो देखा जाए तो 16 2 18 2 बढ़ा, फिर 10 4 14 और 5 6 11 यानी बढ़ क्या रहा है +2 +4 +6। देखिए 2 10 4 14 फिर 5 6 11 2 4 6 बढ़ा, ठीक है। इधर देखा जाए तो डी, डी आता है 4 पे, ध्यान दीजिएगा एच आएगा कितने पे, एच 8 पे, एन 14 पे, एफ 6 पे, एल 12 पे, टी 20 पे। तो देखिए आप देखिए 4 2 6 प्लस 2 हुआ, फिर 8 4 12 प्लस 4 हो गया, उसके बाद से 14 6 20 प्लस 6 हो गया यानी 2 4 6 बढ़ रहा है, बस कुछ नहीं करना। ए 1 पे, एम 13 पे और एस आ जाएगा 19 पे। तो इधर क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे यानी 1 है 2 बढ़ाएंगे, प्लस 2 करेंगे ना, प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 13 4 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 19 में 6 जोड़ेंगे 19 6 25 हो जाएगा, क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे प्लस 6। अब देखिए 3 का मतलब क्या हो जाएगा सी, और 17 का मतलब क्यू और 25 का मतलब वाई यानी सी क्यू वाई, सी क्यू वाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। आप लोगों का क्या आ रहा है बताए, तो आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है फटाफट एक बार कमेंट करिए, बताइए कितने बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से कमेंट करें एक साथ आप लोग। हाँ सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बुक्स कब आएगा सर, बुक देखिए बुक बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। हाँ बुक बहुत जल्द आने वाला है, एसएससी जीडी के भी बुक पे काम हो गया, ठीक है। एसएससी जीडी की भी बुक आपको मिलेगी, तो एसएससी जीडी के लिए बुक कभी आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से बुक पे काम करा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको बुक मिल जाएगी, नई बुक आपके पास आएगी तो हम आपको पीडीएफ के रूप में दिला देंगे, मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेंगे, इतना हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है बुक, लेकिन फिर भी उनको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बुक पे काम चल चुका है बहुत अच्छे तरीके से, सोल्यूशन उसकी जो है ना खुद हम उस पे बैठ के लिखा रहे और कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे ताकि आप लोगों को जो सोल्यूशन हो ना वो बेहतर मिले, बुक की सोल्यूशन ऐसा मिले कि बुक आप देखेंगे पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो बुक पे भी काम चल रहा है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और चौथा तीसरे से। सिंपल भाषा में आप ऐसे देख लीजिए, वी आई एन डी विन को लिखा है एफ एफ के एच लिखा है, उसके बाद से आर ओ एम पी को वी एल जेड टी लिखा है, तो एस पी यू एन को कैसे लिखा जाएगा बताइए। पहले आप देखिए वी आई एन डी, वी I N D का संबंध किससे है, F F K H से है। देखिए एक बार पहले दिमाग लगाइए कैसे ये संबंध बता रहा है। चलिए देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, V 2 पे, B 2 पे आता है, I 9 पे, N कितने पे आता है 14 पे, D कितने पे आता है, सॉरी M N N 14 ही है, ठीक है। D 4 पे, F कितने पे आता है, F 6 पे, F 6 पे, के 11 पे, एच 8 पे। देखा जाए तो 2 4 6 प्लस 4 है,
उसके बाद से 9 से 6 हो गया माइनस 3 है, 14 से 11 हो गया माइनस 3 है, अच्छा 4 से 8 हो गया यानी प्लस 4 है। अच्छा देखा जाए तो प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 हुआ क्या है प्लस 4, उसके बाद माइनस 3 उसके बाद से है प्लस 4। देखा जाए दूसरे में भी ऐसे ही होगा तभी आंसर देंगे, वरना कुछ और हम लॉजिक लगाएंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे में भी अगर ऐसे ही होगा तो ही हम आंसर देंगे, वरना हो सकता है अगर इसमें कोई और रूल हो तो फिर सोचेंगे। R O M P का संबंध किससे है, V L Z T से है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आइए बच्चों देखिएगा, आर कितने पे आता है 18 पे, ओ 15 पे और एम आएगा आपका 13 पे, पी आएगा 16 पे, वी आएगा बताइएगा 22 पे, एल आएगा आपका 12 पे, जे आएगा 10 पे और टी आएगा 20 पे। ठीक है देखिए 18 4 22, अच्छा प्लस 4 हो रहा है, 15 माइनस 3 12, 13 माइनस 3 10, 16 4 20, अच्छा लॉजिक समझ में आ गया, सब में लॉजिक लग रहा है। कौन सा सब में लॉजिक लग रहा है बताए तो, सब में यही लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4। तो इसके लिए भी हम वही चीज कर लेंगे, एस आएगा आपका 19 पे, पी आएगा 16 पे, यू आएगा 21 पे और एन आएगा 14 पे। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, पहले करेंगे प्लस 4, देखिएगा पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे प्लस 4 उसके बाद माइनस 3 प्लस 4। ठीक है तो अब ये देखिए क्या आ रहा है, आप देखिए प्लस 4 19 4 कितना हो जाएगा 19 4 23, और 16 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, 21 में से 3 जा 18, 14 में से 4 जा 10। ठीक है 23 का मतलब क्या होगा W, ठीक है 23 का मतलब क्या होगा W, 13 का मतलब क्या हो जाएगा 13 का M, 18 का R और 10 का मतलब J, 10 का मतलब क्या J, यानी W M R J, W M R, सॉरी कहीं गलत हो रहा है, 21 16 3 13 3 16, W M R 14 4 18, सॉरी प्लस 4 है ये बच्चों देखिएगा, 14 4 ये क्या हो जाएगा 18 18 का मतलब R, ये प्लस 4 है ना, लास्ट वाला जो है ना ये प्लस 4 है, ये भी क्या हो गया माइनस को हो गया, माइनस नहीं करना, देखिएगा प्लस 4 है ना, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4, क्योंकि यहां देखिए प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4, तो डब्ल्यू एम आर आर, डब्ल्यू एम आर आर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में बताइए, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया तो आगे चलेंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे, जल्दी से कमेंट करिए, एक साथ सारे बच्चे कमेंट करें, समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो एनजीसी का संबंध ओजेएच से है, वीक्यूजे का संबंध सीटीओ से है, तो पीटीसी का संबंध किससे होगा, देखिए यहां पर लिखा है एनजीसी, एनजीसी एनजीसी का संबंध है ओजेएच से है, उसके बाद से बोला क्या है वीक्यूजे का संबंध बी क्यू जे का संबंध किससे बोला है सी टी ओ से बोल रहा है, तो पीटीसी का संबंध किससे होगा, पीटीसी का संबंध किससे होगा बताइए, आप लोग आंसर दे इस क्वेश्चन का फटाफट बताएं क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, नंबर लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, देखिए नंबर लिख लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आसपास का अक्षर, तो आप देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो नंबर लिख लीजिए। सर फौजी बैच यूपी पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, देखिए फौजी बैच आपको बता दे फौजी बैच में रीजनिंग जो है ना वो थोड़ा आसान है, यूपी पुलिस में रीजनिंग का जो चैप्टर है ना कुछ चैप्टर अलग है, ठीक है तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, कुछ जो चैप्टर अलग है आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, जो जो अलग है उसे यूट्यूब पे भी पढ़ाया गया उसे यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ अगर पर्टिकुलर अगर आपको यूपी पुलिस का एग्जाम देना है तो आप फौजी बैच से क्यों पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस के बैच से पढ़ लीजिए, ये चीज कर लीजिए, ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही कोर्स से दोनों हो जाए तो आप यूपी पुलिस का कोर्स कर लीजिए, फौजी बैच आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फौजी बैच से पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग है तो उसे आप यूट्यूब से कवर कर लीजिएगा, बस यही तो है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अगर एक तीर से दो निशान लगाना है तो, ठीक है हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वो आपको।
हाँ, वैसे ये क्लास आपकी यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या है इस क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आ रहा है? एन कितने नंबर पे आता है? 14 पे। जी कितने पे आता है? 7 पे। सी 3 पे। ओ 15 पे। जे कितने पे आता है? 10 पे। एच कितने पे आता है? एच आता है 8 पे। ठीक है, 14, 1, 15, 7, 3, 10, 3, 4, 8। अच्छा, ये चीज आपको समझ में नहीं आया। चलिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो सकता है दूसरा का भी आप देखिए, दूसरा का भी एक बार लिख ही लीजिए। बी कितने पे आता है? 2 पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। और जे 10 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। और ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आ तो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में तो आ जाएगा। देखिए, पहले में आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है। देखिए, 14, 1, 15 मतलब प्लस एक हुआ, 7, 3, 10 प्लस कितना हुआ? 3 हुआ। 3 से 8 हुआ, प्लस 5 हुआ। लॉजिक क्या लग रहा है? प्लस 1, प्लस 3, उसके बाद से प्लस 5, यानी 1, 3, 5 प्लस हुआ है। दूसरे वाले में देखा जाए तो 2, 1, 3 प्लस 1, 17, 3, 20 प्लस 3, 17, 3, 20 और 10, 5, 15 प्लस 5, इसमें भी वही लॉजिक लगा। तो लास्ट वाले में कहां दिक्कत आ रही है आपको? P कितने नंबर पे आता है? 16 पे। T आता है 20 पे और C आता है 3 पे। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, 16, 1, 17 क्या हो जाएगा? प्लस 1 करेंगे ना, और इसमें क्या करेंगे, 20, 3, 23 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 23। इसमें क्या करेंगे, प्लस 5 करेंगे, क्योंकि 1, 3, 5 ही तो प्लस हो रहा है ना, तो 3, 5, 8 ये हो गया 8। आंसर क्या होगा, 17 का मतलब हो जाएगा Q, 23 का मतलब हो जाएगा W और 8 का मतलब हो जाएगा H, Q W H है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही तो दिख रहा है, कहां पे नहीं समझ। देखिए, सिर्फ आप एक को करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, दूसरे को भी देखिए, फिर उसके बाद तीसरा का आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ, क्यू डब्ल्यू एच क्लियर है। अब आप लोग बना ले रहे हैं, अब आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, सभी से हो जा रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व, कि कोई दिक्कत आ रही है बताइए। हाँ, 1, 3, 5 विषम संख्या बढ़ रहा है। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, जब समझ में आ ही गया तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। क्वेश्चन आप ऐसे देख लीजिए, ACBO का संबंध PCDB से है, JLKM का संबंध NLMK से है, तो KJIH का संबंध किससे होगा, यही चीज पूछ रहे। चलिए देखिएगा, ACBO का संबंध बोला है PCDB से है, तो पोल क्या रहा है, आगे हम लोगों से बोल रहा है JLKM का संबंध किससे है, ये भी बोला है NL, ध्यान दीजिएगा NLMK से है, तो KJIH का संबंध किससे होगा, KJIH का संबंध किससे होगा, आसान है बताइए। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों, OPBCCDAB लास्ट पहला भोजपुरी में बोले ना सर जी। अच्छा, भोजपुरी ज्यादा समझ में आवेला, ज्यादा समझ में आवे तो बताओ, भोजपुरी में बात हुई आज, हाँ सबके समझ में भी ताबिक चाहिए। हाँ, लास्ट में जात जात भोजपुरी में बोलो ना। चल देखिए, क्वेश्चन में तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, इसमें ज्यादा नंबरिंग करने की जरूरत नहीं। ओ के बाद अगला पी, बी के बाद अगला सी, सी के बाद अगला अक्षर डी, ए के बाद अगला अक्षर बी, बहुत आसान, एम के बाद एन, के बाद से जे के एल, समझ रहे हैं, के बाद एल, एल के बाद से एम दिया है, और जे का बाद अगला के, एच के अगला क्या होगा, जी एच, एच के बाद आई, आई हो गया, फिर उसके बाद आई के बाद अगला अक्षर क्या होगा, जे हो जाएगा, जे के बाद अगला अक्षर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के बाद अगला अक्षर क्या हो जाएगा, एल, आई जे के 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 एल, ऑप्शन नंबर बी क्या रहे आप लोगों का आंसर, बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया,
समझ में आ गया? अच्छा एक बार हो जाए भोजपुरी में। चलिए चलिए कोई नहीं, समझ में आया तो अगले क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बताइए क्लियर है? बस आसान है, बहुत ही आसान है। और इस क्लास की पीडीएफ बच्चों आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अगर डाउनलोड नहीं किए तो। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस भी चल रही है और यूट्यूब पे आपकी जितनी भी क्लासेस चलती है सभी क्लास की पीडीएफ भी दी जाती है, ठीक है? तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो यहां लिखा है वॉट, वी ओ टी एच का संबंध डब्ल्यू जे ई क्यू से है, फेस एफ ए सी ई का संबंध एस एक्स वी टी से है, तो के आई एन जी किंग का संबंध किससे होगा। और ये जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे, देख रहे हैं कितने ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और तेज तरार स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, सर आपके यहां ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है क्या? नहीं, ऑफलाइन क्लास अभी नहीं चल रही है, ऑफलाइन क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी प्रयागराज में, ठीक है? हाँ, प्रयागराज इलाहाबाद, समझ रहे ना? अब भोजपुरी में कहानी हो जाए सर जी, भोजपुरी ज्यादा लोग के समझ में आता। हाँ, अगर ज्यादा लोग के समझ में आता तो भोजपुरी में बोल लो पढ़ाई। हाँ कितना लोग के भोजपुरी समझ में आवला एक बार बताओ लो, कमेंट करो लो, देखा था ही। पहले आंसर दे लीजिए, पहले आंसर दीजिए, पहले आंसर पे क्वेश्चन पे थोड़े से एक बार आप लोग दिमाग लगा लीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? भोजपुरी में पढ़ाइए सर जी, अब यही का आप लोगों का रह गया है। सर यूपी से हैं? अच्छा यूपी से हैं, तो हम यूपी के हैं। हाँ बिहार के हैं, यूपी के हैं, थोड़ा थोड़ा आवेला। अच्छा हमके पूरा भोजपुरी आवेला, ठीक बा? हाँ बिहार में भी रहल बनी, यूपी में भी रहल बनी, ठीक बा? हाँ हम हो यूपीए के हई। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है सर, हम लोग बिहारी हैं। अच्छा अच्छा आसाम से, बहुत से बच्चे दिल्ली से हैं, भोजपुरी सॉन्ग नहीं, भोजपुरी गाना नहीं खे याद। अच्छा गोरखपुर से, अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं देंगे, अब यूपी बिहार गोरखपुर देवरिया सलेमपुर भटनी, अब ना पूरे जिले का नाम रख दो। चलो नाम नहीं रखना है, चलिए नाम हम आप लोगों से नहीं पूछे कि कहां के रहने वाले आप हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, नाम नहीं पूछ रहे हैं अब आप लोग नाम बताने लगे, गोरखपुर देवरिया सलेमपुर, हाँ सब बता दो कहां कहां, घर तक पहुंच जाओ मेरे। देखिए यहां पे देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है अब ये नाम आपका कमेंट चल रहा है। अभी नाम आप लोगों से पूछेंगे कौन कहां का रहने वाला है, क्या है, ठीक है? 10 मिलियन होने वाला है, 10 मिलियन पे बाल कटवाएंगे क्या? नहीं 10 मिलियन पे भी बाल नहीं कटेगा। चलिए कौन बोल रहा है कि 10 मिलियन का मनौती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो अब इधर उधर की बात चलने लगी, मुझे पता है क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ नहीं रहा है। देखिए बी ओ टी एच बोथ का संबंध बोला है डब्ल्यू जे ई क्यू, ई क्यू, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे देखिएगा, डब्ल्यू जे ई क्यू। पहले तो आप देखिए, वी को डब्ल्यू लिखा है, ओ को जे लिखा है, टी को ई लिखा है और उसके बाद से एच को क्यू लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए उसके बाद से है फेस, एफ ए सी ई एफ ए, अब हम आप लोगों के कमेंट नहीं देख रहे हैं कौन कहां से है, अभी देखेंगे, अभी आप लोग कमेंट मत करिए, पहले यहां पर आंसर दीजिए। एफ ए सी ई का संबंध एस एक्स वी टी से है,
चलिए प्लेस वैल्यू बोल रहे हैं लिखने के लिए, अगर लिखें तो बी दो नंबर पे आता है, ओ 15 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, डब्ल्यू 23 पे आ जाएगा और जे 10 पे आ जाएगा और ई कितने पे आ जाएगा 5 पे आएगा, क्यू आ जाएगा 17 पे। ठीक है, अच्छा चलिए नीचे वाले भी लिख देते हैं, एफ 6 पे आ जाएगा, उसके बाद से ए 1 पे आएगा, सी 3 पे आएगा और ई 5 पे आएगा, एस 19 पे आएगा, एक्स जो है वो 24 पे आ जाएगा, वी 22 पे आ जाएगा और टी 20 पे आएगा। अच्छा कुछ तो समझ में आ गया होगा, अगर हम ये प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। देखिए 2 को 23 लिखा है, 15 को 10 लिखा है, 20 को 5, 8 को 17, यानी देखा जाए तो इन दोनों का योग हो रहा है 25, योग हो रहा है 25। या आप देखिए ऐसे देखिएगा, 2 और 23 मिलके क्या होगा 25, अगर जोड़ दे तो 15 10 25, 20 5 25, 8 और 17 मिलके 25, यानी योग, योग इनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है 25। अच्छा इधर देखिएगा, 6 और 19 मिलके 25, 1 24 25, 3 22 25, 5 20 25। अच्छा जब सब 25 हो रहा है तो आइए किंग को भी 25 बनाया जाए, के आई एम जी। ठीक है, के जो है आपका कितने पे आएगा 11 पे, देखिएगा आई 9 पे, उसके बाद से एन आएगा 14 पे और जी आएगा 7 पे। चलिए 11 में कितना जोड़े 25 हो जाए, 11 25 में से 11 घटा लीजिए तो 14 कितना होगा 14, फिर उसके बाद से 9, 16 9 25 होता है तो 16, या 25 में से 9 घटा लीजिए 14, 11 25 होता है और 7 18 25 होता है। अब देखिए अगर हम इसे लिखें तो ये क्या होगा, 14 का मतलब n, 14 का मतलब n, 16 का मतलब p, 11 का मतलब k, 18 का मतलब r, npkr, NPKR ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। बस हां जोड़ के 25 करना है, जोड़ के क्या करना है 25 करना है, या इसके लिए एक और तरीका है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये भी होता। देखिएगा बी में आप 2 जोड़ दीजिए, डी का विपरीत अपोजिट W, ओ में 2 जोड़िएगा, 15 2 17 का, 17 का क्यू, क्यू जे, फिर टी 22 22, ध्यान दीजिएगा टी में 2 जोड़ेंगे, टी 20 मतलब 20 2 22, यू वी, वी का अपोजिट ई, प्लस 2 करके भी आप अपोजिट कर सकते हैं। बच्चों एक दूसरा मेथड इसमें लग सकता है, लग ही जाएगा, लग सकता है क्या, लगेगा ही, प्लस 2 करके अपोजिट कर दीजिए, यह भी एक मेथड है, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, कहां पे लिख दे, जगह कम दिख रहा है, देखिएगा यहां पे लिख देते हैं मेथड 2, प्लस 2 करिएगा उसके बाद से क्या कर दीजिए अपोजिट कर दीजिए, यह भी लॉजिक इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी लॉजिक लग जाएगा, 2 तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए, प्लस 2 करेंगे और अपोजिट कर देंगे। ठीक है, बताइए क्लियर है, सभी को समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए, सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, अच्छा चलिए अच्छी है तो आसान है, क्वेश्चन समझ में आ गया, जब समझ में आएगा तभी आसान है, नहीं समझ में आएगा तो कठिन है। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है। और एक बात और हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे डेली क्लास को ज्वाइन करिए, आप लोगों की डिमांड पे चैप्टर वाइज क्लास चला रहे हैं तो छोड़ना नहीं एक भी दिन क्लास। और एक चीज और, जल्दी से कमेंट करके बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, 15 क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से बताइए क्लास अच्छा लगा है, सारे बच्चे लाइक कर दे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो लाइक ना करे, लाइक कर देंगे काफी अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो हमें ये लगता है कि समझ में आपके आ रहा है। ठीक है, और आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, 10 मिलियन होने वाला है, लड्डू खिलाएंगे, जी बिल्कुल लड्डू खिलाएंगे 10 मिलियन, ठीक है 10 मिलियन होने वाला है। अच्छा आप लोगों के प्यार और विश्वास के कारण 10 मिलियन 20 मिलियन 50 100 कुछ भी हो सकता है, बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लेते रहिए। ठीक है, हाँ और एक चीज और बता दें, आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी क्लास से चलाए जा रहे हैं, ऐप को डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए, और ऐप पे जाके 5 स्टार की रेटिंग और बेहतरीन रिव्यू सारे बच्चे जरूर दे। ठीक है, देखिए
फौजी बैच चलाया जा रहा है एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फौजी बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौजी बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ यह बैच चलाया जा रहा है। सिलेक्शन आपका पक्का होगा, गारंटी के साथ होगा, ठीक है दोस्तों। ये फौजी बैच वही बैच है जिसने दिए हजारों सिलेक्शन। 2022 में 20,000 से ज्यादा बच्चे एसएससी मेकर से पढ़ के सिलेक्शन लिए, तो अब आपकी नंबर है। आप भी इस बार पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इस बार इसे और बेहतरीन बना दिया गया इस बैच को, ताकि आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं, 100% होगा आपकी, ठीक है। बैच से रिलेटेड आपको बच्चों कोई जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अच्छे से पढ़िए, क्लास बहुत ही अच्छा लगा है, कम से क्वेश्चन सही हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मन लगा कि आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। हाँ अच्छे से पढ़िए, अच्छा अच्छा सर मैं आपके सारे बच्चों को इंटरव्यू देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एक दिन मेरा भी सिलेक्शन होगा, मैं भी एसएससी में कर सारे शब्द मिलने मुखर्जी नगर आऊंगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, हम मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे सिलेक्शन ले लें। सर बाल कब कटवाएंगे? कट जाएगा जिस दिन गाँव जाएंगे। माता जी तैयार बैठी है। चलिए हाँ बताइए, क्लियर है, समझ में आया? सर भोजपुरी बोलो ना। अच्छा भोजपुरी ज्यादा समझ में आवेला तो लोगे, हाँ भोजपुरी ज्यादा समझ में आवेला तो भोजपुरी में बोल लो पढ़ाई, हम के बहुत अच्छा लगेला भोजपुरी बोले में। हाँ ठीक है, मन लगा कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिए, आज की क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिएगा जितने भी नए स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ 10 मिलियन की पार्टी आप लोगों को दी जाएंगी बहुत जल्द, ठीक है। हाँ, कोशिश करिए, मेहनत करिए, आप लोग पढ़िए, पहले नौकरी ले लीजिए, नौकरी लेने के बाद से पार्टी होगी मेरे तरफ से जरूर बोले तो सबको पार्टी देंगे, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी क्लास होगी कल 8 बजे, मैथ्स की शानदार और जबरदस्त क्लास होगी, तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए एक दिन होगी भोजपुरी क्लास, अच्छा ठीक है भोजपुरी पढ़ा दें एक दिन। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, कल 8 बजे आपकी जो मैथ्स की क्लास होगी, सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में, टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र ₹250 में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध, अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें।